राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको पेट में आफरा और पेट दर्द के बारे में घरेलू नुस्खे बता रहा हूँ। कई बार इंसान छोटी छोटी बीमारियों के लिए परेशान रहता है, पर उन्हें अंग्रेजी दवाइयाँ कई बार सूट नहीं करती है, कई बार आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं होती, कई बार अस्पताल निकट नहीं होते हैं, काफ़ी बाधाओं से गुजरना पड़ता है, तब ये छोटे मोटे इलाज घरेलू दवाओं से कैसे ठीक किया जाए। कुछ घरेलू उपचार जो लोग पहले करके उससे फ़ायदा नहीं मिलना, तब उसका अल्टरनेट क्या हो, वो खास करके मैं आज ग्रामीण स्तर के लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो वहाँ पे ये जड़ी बूटी सरलता से मिल सकती है। ये सब जानने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर रघुनाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको पेट दर्द और आफरा के घरेलू नुस्खे बता रहा हूँ, जो आप इसको निरापद उपयोग ले सकते हैं, जिसमें पहला है मरुआ। मरुआ का पौधा होता है और उसके पुष्प, आप उनका अर्क या उनका रस आप निकाल के काम में ले सकते हैं। सरल और सुलभ तो यही है कि आप उसको पत्थर के सिलबट्टे पे पीस लीजिए और उसका रस निकाल लीजिए, एक एक चम्मच खाने के बाद लीजिए, आपके आफरा और पेट दर्द में आराम मिल जाएगा। दूसरा अप्पा मार्ग। अप्पा मार्ग का क्षार मिलता है, आप क्षार लाइए और क्षार को सुबह शाम दो वक्त लीजिए, काफ़ी राहत मिलेगी। और तीसरा है जो जड़ी है अरंडा, अरंडी, जिसको कैस्टर ऑयल जेल आप समझते हैं, उसी का एक पौधा होता है, उस पौधे की जड़ होती है, उसको अरंडा की जड़ या अरंडी की जड़, वो और सौंठ, उन दोनों की उकाली या काढ़ा आप कर लीजिए और उसके अंदर एक रत्ती हींग मिला दीजिए और वो सुबह शाम आप काढ़ा लें, आपका पेट का आफरा और आम बात से जो पेट दर्द है उसमें आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा करेगा। आप अनावश्यक खर्चों से बच जाएंगे और अंग्रेजी दवाओं के जो साइड इफ़ेक्ट हैं उनसे भी आप बच जाएंगे। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, उपयोग लेते रहें। अगर कोई आपके प्रश्न है, टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी का जवाब दे देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।